नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। ज्ञान व्यापी परिसर के एएसआई सर्वे पर दिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, जिसके चलते विपक्षी दलों के बयान आना भी शुरू हो गया है। वहीं सपा पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम योगी देश के न्यायालय से बड़े नहीं है, जिस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव परिवार की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथ लिया। क्या कहना है बीजेपी नेता का, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान व्यापी परिसर के एएसआई सर्वे पर बयान दिया, जिस बयान ने यूपी की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जहां सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सीएम योगी देश के न्यायालय से बड़े नहीं है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर बीजेपी नेता और अखिलेश परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने पलटवार कर उन्हें आड़े हाथ लिया। अपर्णा यादव ने सीएम योगी के बयान पर कहा है कि हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। मुख्यमंत्री ने सोच समझकर ही कहा है, मुख्यमंत्री ने अपने विचार रखे हैं, जो भी फैसला आएगा हमें इंतजार करना होगा। इसके साथ ही अपर्णा यादव ने सपा नेता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद को देश और खासकर सनातन धर्मियों से माफी मांगनी चाहिए। स्वामी खुद को बुद्ध समझने लगे हैं, सनातन धर्म को लेकर वह अज्ञानतापूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी के बयान पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है और अगर ये मस्जिद नहीं होता तो ये मामला कोर्ट में जाता ही नहीं। सपा नेता ने कहा कि किसी भी जिम्मेदार नेता या मुख्यमंत्री को ये बात नहीं रखनी चाहिए, सीएम योगी देश के न्यायालय से बड़े नहीं है और उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे पर दिए बयान की बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, मुस्लिम समाज को कहना चाहिए कि गलती हुई है, मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, देश में रहना है तो राष्ट्र को मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। आगे सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानव्यापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। हर मुद्दे में स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान आना जरूरी है, जिसको लेकर वो घिरते रहते हैं। वो हमेशा बीजेपी को घेरने की सोचते हैं, लेकिन आखिर में खुद ही घिर जाते हैं। सीएम योगी पर टिप्पणी करना उन्हें एक बार फिर से भारी पड़ गया है। खैर, ये तो बीजेपी के पहले नेता का पलटवार है। अब देखना ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को और कितने हमलों का सामना करना पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।